नमस्कार स्वागत आप सभी का राघवेंद्र क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर चलो उनके साथ जो राह जानते हैं एस एस सी सीरियल के लिए अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं जो ये लास्ट के पंद्रह दिन हैं इन दिनों में हमें कैसे कैसे तैयारी करनी है और कैसे हम प्रीलिम्स को अच्छे ढंग से क्वालिफाई कर सकते हैं हाँ जिन बच्चों की प्रीलिम्स की अच्छी तैयारी है तो अपना फोकस मेंस पे ही रखें बट फिर भी आखिर के दिनों में एक बार प्रीलिम्स पे वापस अपने ध्यान को मोड़ दें और प्रीलिम्स की तैयारी करें प्रीलिम्स की तैयारी करते समय अब आखिर में अपने चार सेक्शन है मैथ्स का इंग्लिश का रीजनिंग का और जीएस का तो चारों सेक्शंस को किस तरीके से कैसे कैसे वेटेज देके कितना टाइम देके और आखिर में कितना समय कौन से सब्जेक्ट को देके हम रिजल्ट को बहुत बेहतर बना सकते हैं और प्रीलिम्स अब हमारे लिए क्वालिफाई है तो क्वालिफाई करने के लिए हम क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाएं वो हम एक बार डिस्कस करते हैं लास्ट के दिनों में हमें क्या करना चाहिए एक बार उसकी तरफ जाते हैं अगर हमें पीछे से लेके आते हैं जीएस वाले पोर्शन की ओर क्योंकि जीएस का पोर्शन अब प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में भी रहेगा तो अभी से इस पे ध्यान देना शुरू कर दे लास्ट के जो पंद्रह दिन हैं उनमें सबसे ज्यादा फोकस आप करेंगे स्टैटिक पे और करंट पे इसमें हमारी तरफ से आपके लिए क्या हेल्प रहेगी इन पंद्रह के पंद्रह दिनों में स्टैटिक और करंट की जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आपको क्लास मिलेगी उसके अलावा जो पोर्शन जैसे आप हिस्ट्री का है पोलिटी का है ज्योग्राफी का है या आपका इकोनॉमिक्स का इनको लेके जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि बार बार पूछे जा रहे हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हैं उन पर भी हम आपको डेली एक क्लास जरूर प्रोवाइड कराएंगे ये जो लास्ट के जो फिफ्टीन डेज हैं इनके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर क्वालिफाई करने के लिए वो है रीजनिंग का आसानी से कर सकते हैं बट आपको समय देना पड़ेगा तो रीजनिंग के लिए अप्रोच क्या रखें रीजनिंग के लिए जो बेस्ट अप्रोच हो सकती है आप मॉक मॉक प्रैक्टिस प्रैक्टिस करें करेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि मैं किस टॉपिक में डाउ हूं या को, कौन सा टॉपिक में मुझे समय देना चाहिए उस टॉपिक में समय देंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा इसमें हम आपकी क्या हेल्प करेंगे रीजनिंग के हम आपको बेस्ट क्वेश्चन जो हमारे अटकते हैं आ, एजी वाला क्वेश्चन नहीं जो हम हर बार सही कर पाते हैं वो नहीं वो क्वेश्चन की आपको सीरीज मिलेगी डेली टेन क्वेश्चन की जिसमें तकरीबन तकरीबन एग्जाम तक जाते जाते हम ऑलमोस्ट रीजनिंग को अच्छे ढंग से कवर कर सकते हैं बट फिर भी मैं आपको कहूंगा मोक प्रैक्टिस ना छोड़ें लास्ट के टाइम पे क्योंकि रीजनिंग में ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा और लेटेस्ट में जो सीजल के एग्जाम्स हुए हैं उनमें रीजनिंग का क्या पैटर्न रहा है अभी सीपीओ के लेटेस्ट में जो एग्जाम चल रहे हैं उसमें क्या पैटर्न है ये भी भी जरूर ध्यान में रखना और इसी को हम आपके भी कराएंगे अगर इंग्लिश सेक्शन की बात करें इंग्लिश सेक्शन देखो इसमें हम आपको क्या हेल्प करेंगे पहले मैं वो बताता हूं फिर आप क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे इस बारे में चर्चा करते हैं हम आपको इसमें वो वो कैप जो कि आने के चांसेस जिसके काफी सारे बने रहते हैं वो जरूर कराएंगे फ्रेजल वर्ब 100 परसेंट कराएंगे क्वेश्चन बनता ही बनता है उसके अलावा टॉपिक वाइज जितने भी आपके टॉपिक्स बनते हैं ग्रामर के उन हरेक टॉपिक से आपको जो बेस्ट और इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जहां से ग्रामर का एरर फिल इन द ब्लैंक्स या सेंटेंस इंप्रूवमेंट आने की संभावना बनी ही बनी रहती है वो हम सारे के सारे इन लास्ट के दिनों में आपको करा के देंगे आपको हर रोज उसके ऊपर वीडियोस मिलेंगी ही मिलेंगी अब आता है सेक्शन मैथ्स वाला मैथ्स में हम आपको क्या प्रोवाइड कराएंगे हम आपको इसमें बेस्ट 75 या इंपॉर्टेंट 75 कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चंस देंगे वो 75 कांसेप्ट जिन पे क्वेश्चन बनने की संभावना सबसे ज्यादा है या वो पचहत्तर कंसेप्ट जो अगर एग्जाम में आएंगे तो हमारे अटक सकते हैं या हम उसमें गलती कर सकते हैं उसके अलावा आपके कुछ डाउट्स होंगे तो आप हमें टेलीग्राम लिंक पे भी शेयर कर सकते हैं और जो अपना नंबर है उस पर भी शेयर कर सकते हैं इसके अलावा जो ये रीजनिंग में जो मैंने बात आपको बोली मॉक प्रैक्टिस की वही प्रैक्टिस आपको मैथ्स में भी लेके आनी है क्योंकि जो काम रीजनिंग का मोह करेगा वही काम मैथ का मोह भी करेगा क्योंकि वहीं से आपको आइडिया लगेगा कि हम कहां गलती कर रहे हैं हाँ दूसरा डीआई को लेके काफी सारी गलतियां हम डी आई तो डीआई के कॉन्सेप्ट्स के साथ कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस वो मैं आपको जरूर कराऊंगा और बाकी जितना अर्थमेटिक और एडवांस के जो इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उन सब पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और वही क्वेश्चंस होंगे जो कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम में जाके रुकते हैं तो के इन पंद्रह दिनों में अगर आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इसको जरूर फॉलो करें अच्छा उसके अलावा टेलीग्राम का जो लिंक है टेलीग्राम का लिंक जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो जितनी भी जो मैंने अभी बताया इन सब की जो पीडीएफ है यहां पे जो मैथ्स का होगा अच्छा एक चीज और रहेगी जो मैथ्स के हम ये क्वेश्चंस आपको कराएंगे इन क्वेश्चंस का आपको मोबाइल ऐप पे राघवेंद्र क्लासेस जो मोबाइल ऐप है उस पर आपको डेली का टेस्ट भी मिलेगा ऐसे ही जो इंग्लिश का फ्रेजल वर्ब है ग्रामर है इसका भी टेस्ट आपको मिलेगा वही आपको वीडियो भी मिलेगी तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा ऐसे ही रीजनिंग में जाएंगे तो रीजनिंग का हम हम भी प्रोवाइड करेंगे दूसरा उसके अलावा जीएस का इन सब की पीडीएफ आपको टेलीग्राम के लिंक में मिलेगी जितने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे इनकी भी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम लिंक पे मिलेगी और टेलीग्राम लिंक कहां मिलेगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा उसके अलावा आप राघविंद्रा क्लासेस के नाम से सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम पे राघविंद्रा क्लासेस के नाम से टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो वहां भी आपको मिल जाएगा तो ये पंद्रह दिन जितना बेस्ट हो सके उतनी मेहनत करिए क्योंकि ये आपको डिसाइड करेंगे क्योंकि प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं हुआ तो फिर मेंस के लिए क्या पढ़ेंगे तो मेंस के लिए तो वही तो तैयारी करेंगे ना जिनका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा तो फिर से वही बात अभी नहीं तो फिर कभी नहीं